gonna be a long night. व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो कलेक्शन होने वाला है बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला, क्योंकि आज देख सकते हैं आप, आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक का मेला लगाने वाला हूं। मेला मींस आज आपका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैं आ गया हूं व्रूम्स मोटर में। और आज का जो कलेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यहाँ के जो सेल्स पर्सन है मिस्टर अमृत दा, उनको बुलाते हैं और ये सब गाड़ियों के बारे में डिटेल लेते हैं, क्योंकि आज आप देख सकते हैं आपका जुड़ो भाई बगल में भी खड़ा है आपको सपोर्ट देने के लिए। और अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कलेक्शन आपको हर बार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा, वो भी क्रेजी कार में। तो चलिए मुलाकात करते हैं अमृत भैया से, उस गाड़ी के बारे में डिटेल मुलाकात करते हैं अमृत भैया से। अमृत भैया नमस्कार, कैसे हैं? एकदम सर, आप लोगों का दुआएं हैं सब और कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम जो है हम व्रूम मोटर में आए हैं अपने व्यूवर्स को कलेक्शन दिखाने के लिए। आपका जो स्पोर्ट्स बाइक का कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे व्यूवर्स बहुत, मतलब मैं कमेडी पोस्ट भी डाला था तो उसमें भी बहुत सारा प्यार आया, तो इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। और आज का जो कलेक्शन आप क्या क्या हमारे व्यूवर्स को दिखाने वाले हैं? सर आज भी जो भी छोटा मोटा प्रीमियम बाइक से वो सब दिखाने का कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन सर छोटा मोटा बोल के शर्मिंदा मत करिए सर, बहुत ही बड़ा बड़ा स्टॉक्स आप दिखाए हमारे व्यूवर्स को। नो सर, ज्यादा तो है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ भाई लोग के लिए जितना हो सकता है। केटीएम का भी सेगमेंट आप इस बार रखे हैं बहुत सारा, जितना हो सकता है रखें सर। तो सर ये अपना आपका जो मतलब समझ लीजिए कि आपका जो कम स्टोर के बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बता देंगे तो बहुत ही अच्छा। सर ये स्टोर है हम लोग का दमदम में, ये आर्ट कॉलेज का ऑपोजिट पे है। दमदम आर्ट कॉलेज का ऑपोजिट में आप व्रूम मोटर्स गूगल में टाइप करेंगे तो आपको इजीली ये लोकेट कर दिया जा सकता है सर फ्रॉम गूगल। और बाकी का ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दमदम स्टेशन से भी नज़दीक है और नागेट बाजार से भी नज़दीक है। और आप सिर्फ व्रूम मोटर्स टाइप करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा लोकेशन। और बाकी का VROOM व्रूम मोटर्स आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन, पूरा कोलकाता में एक ही है। सो आपको आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम अगर होगी तो 8240607836 में आप फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर मैं फोन नहीं उठाया तो। और बाकी का सर फिनेंस भी अवेलेबल है यहाँ पे, जो IDFC बैंक प्रोवाइड कर रही है। वो 40% डाउन करना पड़ता है और बाकी का 60% तक EMI हो जाती है, सिर्फ कोलकाता का रेसिडेंट्स वालों के लिए ही। पार्कशीट से 80 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका एड्रेस पड़ता है तो आपको लोन मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन जो है सारा मेरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर भी बोल देता हूँ एक बार, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक का बिल, 2 कॉपी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 3 मंथ्स अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट और 3 चेक कैंसिल चेक। ये सर 3 चेक लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स लेने से आपका EMI हो जाएगा। और अमृत भैया आज हम लोग नया गाड़ी पहली बार हम देख पा रहे हैं, होसंग 650 रेड कलर में, रेड ब्यूटी, इसका क्या डिटेल होने वाला? सर ये सारा प्रीमियम पुरानी बाइक्स है सर, ये 2015 मॉडल है। और गाड़ी सिर्फ 7000 किलोमीटर चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड, सब कुछ गाड़ी का स्टॉक है। एंड वी आर आस्किंग समथिंग एल्स, बट जो प्राइस में मैं दे पाऊंगा, जो बेस्ट मतलब हो पाएगा, बेस्ट चैलेंजिंग प्राइस मेरे तरफ से जो हो पाएगा बेस्ट, वो मैं आपको दे रहा हूँ सर, 2,40,000 ओनली। 2,40,000 ओनली। यस सर। और नाम ट्रांसफर का वैसे क्या फंडा है? सर नाम ट्रांसफर हर बाइक का अलग रहती है सर, लेकिन 600cc अबव जो भी बाइक से यहाँ पे अवेलेबल है सारा नाम ट्रांसफर मैं करके दूंगा, जो भी 600cc अबव है सर, 600cc के अबव जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट में नाम ट्रांसफर आप कर दीजिएगा, इंक्लूड है 650 या 600 के ऊपर। उसके बाद हम लोग देख पा रहे R3। सर ये भी बहुत प्रीमियम बाइक है, ये 2 सिलेंडर की बाइक है सर, 321cc की बाइक है ये बाइक सर, यामा की है, 2017 मॉडल है। एंड इसका आस्किंग प्राइस जो भी है फिर से मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो कि मेरा बेस्ट चैलेंजिंग प्राइस जो मुझे लगता है तो वो मैं आपको दे पाऊंगा सर, एट द रेट 2,40,000 ओनली। ये भी 2,40,000? यस सर। वो भी 2,40,000? ये भी 2,40,000? यस सर। और R3 होसंग में ये सेम प्राइजेस में आप बाइक दिए, तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से दोनों में से सबसे बेस्ट बाइक कौन सा है?
सर बेस्ट बाइक बोले तो सर मेरा हिसाब से तो मुझे R3 कंफर्टेबल लगती है, कंफर्टेबल लगती ये सर। और लुक्स में अगर जाती है तो लुक्स में आप उससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं आते हैं यहाँ पे, कुछ भी कोई भी बाइक्स मुझे नहीं लगता है कि उस जैसा लुक्स दे पाए। लुक्स बहुत अच्छा है लेकिन कंपनी जो है यहाँ पे ज्यादातर कलकत्ता में, कंपनी छोड़ दीजिए सर, आप पार्ट्स का बारे में टेंशन छोड़ दीजिए, जो भी है बैंगलोर से पार्ट्स, मद्रास से पार्ट्स हम मंगवाएंगे एंड विद इन 15 to 20 days सर मैं आपको टेंटेटिव प्रॉमिस कर सकता हूँ इसका पार्ट्स आ जाएंगे सर। ओके, तो मतलब पार्ट्स का भी कोई दिक्कत नहीं है योसंग के बारे में और R3 के बारे में भी कोई बोलने का बात नहीं, यमा अवेलेबल है सब कुछ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 240 240 यस दोनों 240 240 एंड दैट इज द बेस्ट डिस्काउंट व्हिच आई हैव गिवन टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, दैट इज वेरी गुड दैट यू आर गिविंग मी अ बेस्ट प्राइजेस फॉर दिस बाइक्स। ओके नेक्स्ट सर R15 ब्लैक ब्यूटी। यस सर, सर ये बाइक है 2020 की लास्ट की बाइक है, BS6 मॉडल है और ये बाइक का आस्किंग प्राइस मैं नहीं ला रहा हूँ, ये बाइक का जो मेरा बेस्ट कोटेड प्राइस है यस सर वो है 145,000 में। यस सर, BS6 विद डुअल ABS के साथ ब्लैक ब्यूटी या ब्लैक बीस्ट आप दे दीजिएगा सिर्फ 1,45,000 रुपया में। यस सर, तो अमृत भैया इसका भी प्राइजेस बहुत ही जबरदस्त था, 240 के साथ साथ 145 में आ गए, सीधा 95 डिस्काउंट में आ गए। अब धीरे धीरे जाएंगे तो और भी कम होता रहेगा क्या, कि और बढ़ेगा? सर डिपेंड करती है सारा बाइक का, मतलब अलग से कुछ सजाया हुआ नहीं है प्राइस वाइज, जो भी जिसका प्राइस है उसमें बेस्ट कोशिश करता हूँ बताने का। तो ये ब्लैक ब्यूटी आप दे दीजिएगा 1,45,000 रुपया में 2020 का ये बाइक है। उसके बाद सेम BS4 में R15 ब्लू ब्यूटी। यस सर, सर ये भी बहुत खास बाइक है सर, 9,000 किलोमीटर चली हुई है एंड वी आर आस्किंग समथिंग एल्स वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मेरा एकदम लिविंग प्राइस है, बेस्ट प्राइस है, फाइनल लिविंग प्राइस, फाइनल लिविंग प्राइस जो है सर वो है 1,25,000 रुपए में। यस सर, दे दीजिएगा ये ब्लू R15 version 3 विद मतलब पीस ऑफ माइंड, एकदम पीस ऑफ माइंड एकदम लेने का बस सोचने का, नींद भी अच्छा आएगा, नींद भी अच्छा आएगा, सिर्फ पेट्रोल डालाने होंगे और चलाने होंगे, चलाना होगा एकदम सर। तो आप दे दीजिएगा ब्लू ब्यूटी सिर्फ 1,25,000 रुपया में। उसके बाद आ जाते हैं 650 यस सर निंजा कावासाकी निंजा। यस सर, दिस इज कावासाकी निंजा 650 cc एंड सर ये फर्स्ट ओनर की बाइक है, 2016 की बाइक है, सिर्फ 6,500 करीब चला हुआ है गाड़ी और गाड़ी में एक भी काम नहीं है, लुकिंग ग्लास भी खुली हुई है सर, आपको मिल जाएंगे। गाड़ी जो मेरा बेस्ट प्राइस है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा आस्किंग है वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, जो मेरा बेस्ट प्राइस है वो है 2,95,000 ओनली। 2,95,000 में कावासाकी निंजा 650 आप दे दीजिएगा, जिसमें नाम भी इंक्लूड है, नाम ट्रांसफर भी इंक्लूडेड है, जैसे मेरे को याद था 650 के साथ 650 आप दे दीजिएगा सिर्फ 2,95,000 इंक्लूडिंग नाम ट्रांसफर के साथ। ये ग्रीन एंड ब्लैक ब्यूटी आप दे दीजिए, कावासाकी का ज्यादातर यही कलर बहुत जबरदस्त होता है, बहुत प्यारी कलर है सर और टूरिंग के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही खास बाइक है सर, बहुत कंफर्टेबल बाइक है, हाँ सर। और पिलियन भी इसका, इसका सीट भी इतना कंफर्टेबल है, मतलब कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कावासाकी सर बनाया होगा तो कोई सोच समझ के ही बनाया होगा, ऐसे तो नॉर्मल इंसान के लिए तो गाड़ी नहीं है ये, शायद प्रीमियम लॉक प्रीमियम क्वालिटी का ये बाइक है, जिसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो प्रीमियम क्वालिटी बाइक खोजते हैं वो कावासाकी निंजा 650 2,95,000 में आप दे दीजिए। उसके साथ साथ देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में सेम कलर का 300 सर, ये 2019 का लास्ट का साइड का मॉडल है, ये 3,000 सिर्फ चली हुई है, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग सकता है सर, मैं ऐसा ऐसा बाइक 2,50,000 में भी बेचा हूँ, लेकिन सर ये बाइक का प्राइस 2,90,000 है, जो कि पूरा एकदम लास्ट लिविंग प्राइस है, सिर्फ 3,000 चली हुई है, सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, फर्स्ट ओनर है और सर प्राइस ये है, ठीक है। और बाकी का सर मतलब आपको कुछ बोलने का या देखने का जरूरत भी नहीं है गाड़ी का, सिर्फ 3,000 चली हुई है सर, 3,000 किलोमीटर 300 कावासाकी निंजा चली हुई, अब सिर्फ इसका आस्किंग रखे हैं 2,90,000, आस्किंग नहीं है सर, फाइनल लिविंग प्राइस है, फाइनल लिविंग प्राइस, आके कोई नेगोशिएट नहीं हो पाएगा सर, बेस्ट प्राइस सर गिवन बाय व्रूम मोटर्स ओनली बिकॉज ऑफ द किलोमीटर सर, जो कम चली हुई होती है सर उसका प्राइस भी ज्यादा होती है सर, ये थोड़ा मानना पड़ेगा सर। हाँ, तो कम चला हुआ चीज का तो वैल्यू थोड़ा ज्यादा ही होता है, ज्यादा हुआ, ज्यादा चला हुआ चीज का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है सर, तो इसका वैल्यू के साथ साथ आप दे दीजिएगा 2,90,000 रुपया। उसके बाद 390
आरसी? यस सर, ये केटीएम आरसी 390 BS4 मॉडल है विद एलईडी नाइट आई हेडलाइट्स विद ऑल सर्विस रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। गाड़ी में एक भी प्रॉब्लम नहीं है, सारा चीज़ ओके है। एंड ये मेरा एकदम फाइनल लिविंग प्राइस जो कि है 1,68,000। 1,68,000 यस सर, दे दीजिएगा। केटीएम आरसी 390 विद एवरीथिंग अप टू डेट, अप टू डेट, न्यू बैटरी। यस सर, न्यू बैटरी के साथ साथ ये गाड़ी आप दे दीजिएगा। इसमें ज़्यादातर इसका उसका जो एक नेकेड वर्जन भी आता है वो भी बहुत जबरदस्त का, मतलब दोनों का मतलब ज्यादातर नेकेड में ही ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा लगती है सर, लेकिन इसका फेयर्ड है इसलिए एरोडायनामिक्स इसका और बेटर है थोड़ा। तो इसमें चलाने में जिस इसका प्रेफरेंस जैसा होता है वो इस हिसाब से खरीदता है। अच्छा, लेकिन बाइक बहुत ही प्यारी है सर। हाँ। और फर्स्ट ओनर की ही बाइक है तो आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आपके पास सारा बाइक फर्स्ट ओनर ही मिलेगा ऑलमोस्ट सर, ऑलमोस्ट। यस सर, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, फर्स्ट ओनर बाइक रखना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो ज़्यादातर थर्ड सेकंड या थर्ड ओनर तो आदमी भी गुस्सा हो जाता है कि यार थर्ड ओनर गाड़ी तीन आदमी चला तब मैं जाकर चला रहा हूँ, फर्स्ट ओनर फिर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आप दे दीजिएगा सिर्फ 1,68,000 में। उसके बाद एडवेंचर में आप ड्यूक 390। यस सर, सर ये ड्यूक 390 एडवेंचर है, ये बाइक भी मतलब BS6 मॉडल है। ये तो गाड़ी मतलब हंक की तरह लग रहा है मेरे को, मतलब इतना बड़ा ड्यूक में तो ऐसे नॉर्मल अगर देखिएगा तो थोड़ा कम लगता है, ये तो मतलब पूरा हंक की तरह लग रहा है। सर देखिए, ये पूरा एक्चुअल टूरिंग मॉडल है ये सर, ये सामने का चक्का भी इसका 19 इंच दिया हुआ है, मींस जस्ट फॉर द एक्सट्रीम टूरिंग कंफर्ट। और इसका जो परफॉर्मेंस है सब कुछ, इसका मोबाइल चार्जर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है बाइक में, मतलब बाइक एकदम मतलब ये प्राइस रेंज में मतलब मेरे को जो पर्सनली लगता है बेस्ट बाइक है। उस हिसाब से सर हम लोग भी इसको मतलब आस्किंग प्राइस हम लोग का कुछ और है छोड़ दीजिए, लेकिन फाइनल लिविंग प्राइस जो हो पाएगा सर वो है 3,05,000। 3,05,000 रुपये में आप दे दीजिएगा। यस सर, ये मतलब ज़्यादा हम रॉयल इनफील्ड का जो आपका जो हिमालय है उसके साथ शायद इसका कम्पीट है क्या? सर कंपैरिजन तो होगा ही, ज़रूर होगा, लेकिन सर पर्सनली जो इसका स्मूथनेस ऑफ मशीन है, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो टोटल फीचर्स है, मतलब मुझे वो बाइक से काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, पर्सनली KTM का नाम भी मतलब ब्रांड ऐसा ही, और रॉयल इनफील्ड भी बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करना शायद हमारे बस का बात शायद ना हो। लेकिन सर इसका मेडजिला टायर दी हुई है जो लास्ट में दे रहा था, अब फिर कॉस्ट कटिंग के लिए KTM ने MRF देने शुरू कर दिया है। ये मेडजिला टायर के साथ में है, ये फर्स्ट ओनर की बाइक है, सिर्फ 2000 चली हुई है। मेडजिला टायर मतलब आपका नॉर्मल, मतलब अभी MRF का दे रहा है? अभी MRF का दिया हुआ है जो कि कॉस्ट कटिंग किया हुआ है थोड़ा बहुत। यस सर, प्राइस थोड़ा कम है उसका। ओके ठीक है, तो ये आप सिर्फ दे दीजिएगा 3,05,000 रुपया में हमारे व्यूवर्स को आप दे दीजिए। उसके बाद 125 यस सर, ये है KTM ड्यूक 125, ये भी बहुत प्यारी कंडीशन में बाइक है सर, दिसंबर 2020 की बाइक है। और ये BS6 है सर, BS6 बाइक है, सिर्फ चली हुई है 700 किलोमीटर, ओनली 700, एंड इट इज विद सर्विस रिकॉर्ड सर। और बाइक में कुछ भी देखने का बात नहीं है, विंडशील्ड में प्लास्टिक भी लगा हुआ है अभी तक, बाइक निकला भी नहीं है अभी तक, नहीं एकदम LED हेडलाइट भी लगा हुआ है, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, वारंटी के अंदर में बाइक है। और जो मेरा मतलब आफ्टर डिस्काउंट प्राइस है, एकदम लास्ट लिविंग प्राइस वो है 1,45,000। 1,45,000 लास्ट लिविंग प्राइस, दिल से बोल रहे हैं एकदम दिल से। और जो भी चला हुआ है 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर मतलब यस सर, दो तीन बार ही कलकत्ता घुमा होगा शायद ये गाड़ी, सर ज्यादा नहीं घुमा, कैलकुलेट कर सकते हैं सर। हाँ। आप मतलब 700 किलोमीटर, आई होप जस्ट नथिंग, मतलब हम लोग भी मेंटेन करने के लिए कभी कभार चला लेते हैं जरूर, बहुत क्योंकि मेंटेन करना जरूरी है सर, गाड़ी इंजन भी थोड़ा इसको चलना जरूरी है एकदम सर, नया बाइक है तो इसलिए हम लोग मतलब जो भी है बेस्ट रखने का कोशिश करते हैं। 1,45,000 एंड दैट इज द लास्ट लिविंग प्राइस, लास्ट लिविंग प्राइस। यस सर, अब ये दादा जो लास्ट लिविंग जो वर्ड है ना, बहुत सुन के मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि लास्ट लिविंग वर्ड इसलिए आप बोल रहे हैं कि क्योंकि आप दिल से बोल रहे हैं कि ये फाइनल प्राइस होने वाला, क्योंकि बहुत सारे नेगोशिएट करने का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, बात नहीं है। आप आइए, गाड़ी को पसंद करिए, और लास्ट लिविंग प्राइस आपको जो बोला गया है वही फाइनल है, 1,45,000 में आप दे दीजिएगा 125 cc के साथ। उसके बाद 390। सर ये 390 है KTM ड्यूक जो आप बता रहे थे, नेकेड मॉडल में है ये, आती है सर, ये BS4 मॉडल है, ये कंडीशन इसका बहुत प्यारी है सर, गाड़ी में कोई भी खर्चे अभी नहीं है। और जो भी है मतलब KTM ड्यूक 390 के बारे में लुक है ना, कस्टमर लोग को ये न्यू शेप में ही है सर, ये कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही चहेती बाइक है, बहुत ही डिमांडेड बाइक है। और इसका 3,30,000 का आसपास नया आती है सर, नया ये सर। एंड द लास्ट लिविंग प्राइस विच आई कैन ऑफर एंड दैट इज 1,80,000 सर। 1,80,000 यस सर, बहुत अच्छा प्राइस है, मेरे
मतलब मेरे एक व्यूवर्स हैं, शायद उनका नाम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो बहुत ही कमेंट करते थे और मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज भी किए थे कि भैया मेरे को 390 ड्यूक चाहिए, कहीं से दिलवा दीजिए। तो मैं बहुत खोज रहा था, तो मिस्टर, शायद उसका नाम सूरज है मेरे हिसाब से, मैं तो बता दे रहा हूँ, मिस्टर सूरज अगर आपको ये पसंद है 390 ड्यूक, सिर्फ आपको मिल जाएगा 180,000 रुपये में, 2017 का सितंबर का बाइक है, यस सर। और इस पे लोन भी हो जाएगा सूरज, तो आप फटाफट आइए और अपने सपने को पूरा करिए व्रूम मोटर से। उसके बाद जिक्सर, सर ये जिक्सर है 150 सीसी का, ये सर सिर्फ 13 दिन इसका उम्र हुआ है अभी तक, 13 दिन, यस सर 13 दिन उम्र हुआ है। कस्टमर मेरे से डोमिनर 400 लेके गया है एक्सचेंज में, कस्टमर को मे बी अंडर पावर्ड लगा था, लेकिन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू 150 सीसी का सेगमेंट में इसका माइलेज और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और ये बाइक सिर्फ 80 किलोमीटर चली हुई है दादा। तो आप जो बोले डोमिनर 400, जी सर, तो डोमिनर 400 का पावर, यस सर, और इसका पावर में थोड़ा बहुत तो अंतर होगा, इसके चलते वो एक्सचेंज करके लेके, कस्टमर चलाए नहीं थे नया बाइक, सोचे थे कि पावर ज्यादा रहेगा इसलिए वो खरीद लिए थे, लेकिन जो भी है 80 किलोमीटर चली हुई है बाइक, नेकेड बहुत सुंदर लगती है, हाँ सर, बहुत सुंदर, कैश की बाइक है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एबीएस के साथ आती है सर, एकदम नया बाइक है सर, द लास्ट लिविंग प्राइस विच कैन आई कैन ऑफर दैट इज 110,000 सर, 110,000 रुपए में। इसका नया में कितना प्राइस है सर? इसका 1,45,000 प्लस प्राइस है, 1,45,000 प्लस, यस सर, इंस्टेंट 35,000 डिस्काउंट आप दे दे रहे, सिर्फ 13 दिन का गाड़ी है, और चला हुआ कितना देखिए, नॉट इवन 100 किलोमीटर भी कंप्लीट, 100 किलोमीटर भी नहीं हो, 80 किलोमीटर रनिंग है, हाँ। गाड़ी वारंटी के अंदर, सर्विस के अंदर सब कुछ है, क्या 5 साल इंश्योरेंस भी होगा साथ, 5 साल इंश्योरेंस भी है सर, और जो भी मतलब 2020 गाड़ी, इसमें ज्यादा 5 साल का इंश्योरेंस, 2020 छोड़ दीजिए सर, ये 12-13 दिन उम्र है गाड़ी का। मैं तो लोन के बारे, मतलब मैं इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा था, वो तो रहेगा ही सर, 13 दिन उम्र का गाड़ी में सर आपको सब कुछ मिलेगा, और बाकी का सर मतलब आप देख भी सकते हैं टायर का भी कंडीशन, जो साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं उसका, अभी तक जो ब्लू पेंट होता है वो अभी तक भी गया नहीं है, सो आपको चिंता का कोई बात नहीं है सर। आप जो सोचते हैं कि कंप्यूटर सेगमेंट में बाइक लेंगे माइलेज ओरिएंटेड, वो ये मतलब मैं इनको ये बोल सकता हूँ, बहुत जबरदस्त प्राइस में आप दे रहे, सिर्फ 110,000 रुपए में आप जिक्सर दे दे रहे नेकेड, एकदम 150 सीसी 80 किलोमीटर यूज, 14 डेज ओल्ड, यस सर। और कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन सर इसका? सर स्पेशल स्पेसिफिकेशन बोले तो सर देखिए, इसमें नया बाइक है, आप पीछे थोड़ा देख लीजिए, जो कंपनी डिलीवरी का टाइम पे जो मडगार्ड पे जो नंबर रहती है वो भी है, गाड़ी भी वॉशिंग भी ठीक से नहीं हुआ है सर, मैं आपको मतलब स्पेशल ही स्पेशल दे रहा हूँ सर, मतलब मेरे हिसाब से तो और कुछ स्पेशल नहीं हो सकता। तो मंडे स्पेशल शायद लगता है हमारे व्यूवर्स बहुत इंतजार कर रहे होंगे मेरा वीडियो के लिए, तो मंडे स्पेशल में बहुत सारा स्पोर्ट्स बाइक हम लोग अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं, जिसमें आता है एक RC 200, यस सर। सर ये RC 200 है, ये 2019 का लास्ट का मॉडल है, 6000 किलोमीटर करीब चला हुआ है, ये ड्यूअल चैनल ABS के साथ में है सर, ड्यूअल चैनल ABS के साथ, यस सर। इसका प्राइस ज्यादा लग सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका हाई डिमांड के लिए, मैं भी इसको मतलब हाई डिमांड में ही मैं खरीद के लाता हूँ, ये 19 की लास्ट की मॉडल है, और सर मेरा ये लास्ट लिविंग प्राइस जो हो पाएगा वो है 158 सर, 158 हाँ लास्ट लिविंग प्राइस है वो, यस सर, इससे नीचे नहीं आ सकते, इससे नीचे ये गाड़ी के लिए नहीं आ सकते। RC 200 115,000-120,000 में बहुत बेचे हैं, लेकिन ये जो है सर कंडीशन का बाइक है, 6000 चली हुई है सर, कुछ मतलब देखने का भी नहीं है सर, तो आप दे दीजिएगा सिर्फ 1,58,000 में आप दे दीजिएगा। अमृत जी आज मतलब आपका हंसी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपका हंसी एकदम मेरे जैसा मिलता हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आप इतना प्यार दें कि अमृत भैया को भी प्यार दें और मेरे को भी प्यार दें, जैसा आप हमेशा देते हैं। और लास्ट इन लिस्ट जो गाड़ी होने वाला, लास्ट इन लिस्ट तो नहीं बोलेंगे, और भी चार गाड़ी है बगल में, वो भी दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, लेकिन यहाँ पे एक और गाड़ी है 220F, इसका क्या डिटेल होने वाला? सर ये गाड़ी मतलब 2020 की लास्ट की मॉडल है, BS6 मॉडल है, और ये गाड़ी सिर्फ 1100 किलोमीटर चली हुई है, एंड ये गाड़ी का मेरा आस्किंग प्राइस छोड़ दीजिए, जो मेरा एकदम फाइनल लिविंग प्राइस है वो मैं दे पाऊंगा 1,18,000 में सर, 1,18,000 150,000 के नहीं, 1,55,000 के आसपास प्राइस है इसका, प्राइस है ये BS6 मॉडल है, एकदम ब्रांड न्यू जैसा कंडीशन है सर, पॉलिश नहीं हुई है, मैं पॉलिश करके दूंगा बाइक, गाड़ी मैं 1,18,000 में दे दूंगा, ये भी डुअल चैनल ABS के साथ आती है, ABS के साथ, यस सर, 220F आप दे दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, तो आप देख सकते हैं 220F सिर्फ 1,18,000 रुपए में BS6 मॉडल 2020 का लास्ट का, तो बहुत ही जबरदस्त प्राइस में ये गाड़ी है, अगर आपको पसंद है तो फटाफट आप बुक करिए, स्क्रीन पे नंबर आपको मिल जाएगा, अमृत भैया को फोन करिए, वो सब गाड़ी का सपना
पूरा करिए। तो अमृत भी और भी चार गाड़ी जिसमें GT भी है जी सर, R3 एक और है जी सर, तो वो भी अपने व्यूवर्स को हम दिखा देते हैं एकदम। चलिए सर, चार बाइक्स जो है स्पेशल बाइक्स मैं देख पा रहा हूँ जिसमें GT भी है, R3 भी है, MT भी है, रॉयल इनफील्ड भी है, ये चार चार बाइक मैं देख पा रहा हूँ। तो हमारे व्यूवर्स बहुत देर से, मतलब मेरे और व्यूवर्स से जो MT लवर्स भी हैं, तो MT लवर्स के लिए भी शायद रूम मोटर्स अपना पूरा कर देगा। उसके बाद देख पा रहे GT, ये डिटेल क्या होने वाला है इसका? सर ये 740 किलोमीटर चली हुई है, BS6 मॉडल है, फर्स्ट ओनर बाइक है, गाड़ी में एक स्क्रैच एक भी कोई भी मतलब अब खुद नहीं दिखा पाइएगा जो प्रॉब्लम हो सकता है या किसी में सेकंड हैंड बाइक्स में लोग जो लोग सोच सकते हैं। तो ये बाइक सर सिर्फ जो 750 किलोमीटर विद वारंटी है एंड आवर आस्किंग प्राइस इज डिफरेंट, छोड़ दीजिए, जो मेरा लास्ट लिविंग प्राइस है वो है 3 लाख ओनली। 3 लाख रुपए में है और कैफे रेसर में बहुत ही चहेती बाइक है सर, लॉन्ग रूट पे भी बहुत मजा आएगा इसमें गाड़ी चलाने का, मजा आएगा। टू सिलेंडर का रॉयल एनफील्ड का बहुत ही बहुत ही स्मूथ बाइक है सर। ये कब का मॉडल आप बोलते हैं? 2020 का लास्ट का, 20 का लास्ट का एकदम सर। तो आप दे दीजिएगा सिर्फ 3 लाख रुपीज में आप दे दीजिएगा। यस सर, एंड दैट टू विद नेम ट्रांसफर बिकॉज़ दिस इज 650 सीसी। यस सर, तो मेरे को मतलब तीन तीन बाइक जो है इंक्लूडिंग नाम ट्रांसफर के साथ आप दे रहे हैं। उसके बाद R3। यस सर, से ये भी बहुत चहेती बाइक है, जो वो शोरूम में भी एक था, ये 2016 मॉडल है, कंडीशन बहुत प्यारी है सर, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और गाड़ी को सिर्फ लेके पेट्रोल भराना है और चलाना है। बाइक बहुत सुंदर से मेंटेन्ड है, सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन्ड है एंड वी आर आस्किंग 2,38,000। 2,38,000 में आप R3 दे दीजिएगा एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में सर, और कंडीशन भी बहुत जबरदस्त लग रहा है, मतलब जबरदस्त है सर, एकदम नया, एकदम जो भी लेगा खुश रहेगा, एकदम खुश रहेगा सर। तो खुश रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप आए हुए हैं ब्रूम्स मोटर में और आपको हमेशा खुशी आप देंगे। तो इसके बाद डिमांडेबल यमहा का सामने बैटमैन लुक के साथ, यस सर, MT15। यस सर, सर ये 2020 का बाइक है, BS4 मॉडल है, बाइक चली हुई है 4000 किलोमीटर का अराउंड और बाइक फ्रेम स्लाइडर्स के साथ है, बाइक बहुत ही प्यारी कंडीशन में है, एक स्क्रैच भी नहीं है सर। और इसका जो मैं आस्किंग प्राइस है वो मैं नहीं बोलूंगा फिर से, इसका जो मेरा लास्ट लिविंग प्राइस है डेट इज 1,25,000 ओनली। MT15। यस सर, उसमें मॉडिफाई भी बहुत, एक्स्ट्रा फिटिंग्स भी बहुत किया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, जो भी किया हुआ है सॉलिड किया हुआ है सर, कलर भी बहुत अच्छा है, मतलब मैचिंग के साथ इसका साथ है और सिर्फ 1,25,000 में, 1,25,000 में लास्ट लिविंग प्राइस, लास्ट लिविंग प्राइस यस सर, आप दे देंगे सिर्फ 1,25,000 में MT15। इसमें भी लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं MT15 लवर्स, अगर आप हैं तो बैटमैन लुक में MT15 विद ग्रीन थोड़ा टचअप के साथ, फर्स्ट ओनर, नो टचअप सर, नो टचअप, फर्स्ट ग्रीन टचअप, मतलब ये आपका व्हील और सीट कवर, ये थोड़ा सा टचअप, मतलब मेरे हिसाब से टचअप आफ्टर मार्केट टचअप पसंद से किया हुआ है। तो MT15 इसमें टैंक पैड भी लगा हुआ है, यमहा का बहुत सुंदर लगा हुआ है, ये भी बहुत सुंदर लगा हुआ है। तो आप दे दीजिएगा लगभग 1,25,000 रुपये में हमारे व्यूअर्स को आप दे दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्राइस में आप MT15 दे रहे। उसके बाद रॉयल एनफील्ड, ये कौन सा डिटेल होने वाला है इसका? सर ये है 1993 मॉडल, ये एंशियंट बाइक जो लोग पसंद करते हैं उन लोग के लिए ये बहुत ही प्यारा बाइक होगा। और ये भी काफ़ी हद तक ये मतलब रिस्टोर किया हुआ बाइक है और ये बाइक का हम लोग का आस्किंग प्राइस जो भी है छोड़ दीजिए, द लास्ट लिविंग प्राइस विच वी कैन ऑफर डेट इज 60,000 ओनली। कब का मॉडल है ये? ये 1993 विद लाइफ टाइम टैक्स, विद लाइफ टाइम टैक्स सर। इसका CFA सारा कंप्लीट किया हुआ? सारा कंप्लीट करके ही देंगे एकदम, सिर्फ CFA फेल हुआ है वो हम लोग करके देंगे, वो भी 60,000 का अंदर। और मतलब आप मेरे को मतलब लगता है पुराने दिन में लेके चले गए, पुराने दिन का जो है ये बाइक दिखा के मेरा मन को बहुत ताजा कर दिया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये देख के। ये स्टॉक कंडीशन में, स्टॉक कंडीशन, इसके ऊपर अगर कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए स्पेशली कस्टमर के ऊपर है वो, वो भी कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा तो मॉडिफाई इसी पे ही होता है सर, वो रॉयल इनफील्ड के ऊपर मॉडिफाई तो मतलब सबसे ज्यादा किंग है, मॉडिफाई के लिए किंग है सर। रॉयल इनफील्ड 1993 का आप दे दीजिएगा सिर्फ, यस सर, 60,000 में, 60,000 रुपए में ये गाड़ी दे दीजिएगा। कलर भी एकदम ओरिजिनली कलर, एकदम कलर देखिए 1993 का गाड़ी देख रहे हैं आप,
कलर एकदम अभी तक मतलब रिस्टोर किया हुआ है काफी हद तक सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गाड़ी बहुत सुंदर कंडीशन में है, इसका इंजन भी एकदम नया जैसा साउंड करती है, और बाकी का जो भी मॉडिफिकेशन है वो चार्जेस एक्स्ट्रा है वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और नेम ट्रांसफर भी मेरा एंड से होगा, आपके एंड से चार्जेस एक्स्ट्रा है, लेकिन नेम ट्रांसफर का आप सोचिए मत, पुराना बाइक है प्रॉब्लम हो सकता है, वो मेरा एंड से हो जाएगा, आप नाम ट्रांसफर भी कर देंगे 60,000 रुपए में। ये आप फाइनल बाइक हमारे व्यूवर्स को दे रहे हैं, स्टार्टिंग भी किए थे हाई से और एंड कर रहे हैं लो के साथ, कोशिश कर रहे हैं सर जितना हो सके बेस्ट एकदम बेस्ट भैया के लिए, हाँ आपको कर दे रहा हूँ। तो आप हमारे व्यूवर्स को अमृत भैया क्या बोलना चाहते हैं कि सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप और भी कलेक्शन दिखाएंगे, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर बनता है, और शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उससे इम्प्रूवमेंट करने में बहुत सुविधा होगी। जैसे मैं भी कभी भी आता हूँ किसी के पास तो मैं बहुत सारा कमेंट पढ़ता हूँ, तो उसके बाद मैं भी कोशिश करता हूँ कि रिस्पॉन्स जो है आपका अच्छा रहे, कमेंट्स आप दीजिएगा तो भैया को भी पता चलेगा कि शायद उनमें क्या कमियां हैं, और इसको कैसे सर आदमी से गलती होती है, कुछ गलती जरूर मेरा भी हुआ होगा, कोई मौका जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज गिव मी अ चांस एंड विजिट आवर शोरूम सर। डेफिनेटली सर हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग और सारा कमेंट्स दीजिए, और अमृत भैया को प्यार दीजिए मुझे भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे जाके हम लोग और भी आपको बहुत सारा अच्छा स्टॉक्स दिखाएंगे जिससे आपका मन बना रहेगा ध्रुव मोटर्स के साथ। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।